गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हालचाल हैं सबके। आज का मॉर्निंग रूटीन मेरा शुरू हो चुका है और सबसे पहले मैं करती हूँ किचन को साफ़। हालांकि शाम को भी मतलब साफ करके ही सोती हूँ, बट सुबह सुबह मैं एक बार फिर से स्लैब पर और गैस पर कपड़ा लगा लेती हूँ कुछ भी उस पर बनाने से पहले। और अभी मुझे बनाना है बच्चों के लिए जूस और अरुण के लिए बनानी है चाय। और आजकल जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो आजकल सेहत अपनी ठीक रखने के लिए एक काढ़ा टाइप चाय मैं बनाती हूँ। और पहले मैं उसकी वीडियो डाल चुकी हूँ कि उसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, कैसे कैसे बनाती हूँ, तो वो आजकल बीच बीच में मैं भी ले लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बट बीमारी ही ऐसी है और इसमें खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली में तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, तो इसलिए बीच बीच में चाय मैं आजकल लेने लगी हूँ। तो आप भी खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, कुछ भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर खाते रहें या पीते रहें जिससे आपकी इम्यूनिटी बची रहे, बनी रहे, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि इसमें वही बच पाएगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी के टच में ऐसे ज़रूर आने के चांसेस हैं, चाहे हम खुद को कितना भी बचा लें, घर से भी जो बाहर नहीं निकल रहे ना उनके साथ भी प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस है। क्योंकि हम भले ही बाहर ना जाएं लेकिन बाहर से बहुत सारा सामान हमारे घर में ज़रूर आता है, तो इसलिए इम्यूनिटी को इस टाइम स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वायरस से वही बच पाएगा जिसकी खुद की अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और उससे लड़ सकता है जो भी।
सुबह से ना मतलब इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है आज, क्योंकि घर गए हुए थे, बीच में एक दिन सफाई भी नहीं हुई, और कपड़े भी धोने थे और खाना भी बनाना है, बीच में बच्चे भी उठ जाते हैं और मेरे अपने पर्सनल काम भी कई सारे रहते हैं सुबह सुबह, जैसे मॉर्निंग वॉक और जो मैं रीडिंग का आपको बता चुकी हूँ कि मेरे को सुबह बुक्स पढ़ने की आदत है। तो मतलब सुबह जब से उठती हूँ तब से लेके 12 बजे के आसपास तक मतलब मेरे पास बिल्कुल बैठने तक की भी फुर्सत नहीं होती, मतलब कंटिन्यूएशन में मुझे लगे रहना पड़ता है काम में। और अभी कपड़े धोते धोते मुझे साथ साथ किचन का भी करना पड़ता है, और आज काले चने मैंने भिगो रखे थे ये रात के, तो अभी इनको धोकर मैं थोड़ा सा उबलने के लिए रख दूँगी। और देखिए कैसा रेड रेड सा डार्क येलो सा पानी इसमें से निकल रहा है, क्योंकि इसमें कलर होता है, तो 2-3 बार इसको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी केमिकल्स होते हैं, पॉलिश वो कर देते हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए। तो अभी मैं इसको उबलने के लिए रखूँगी, और इसमें मैं साथ साथ डाल दूँगी नमक, जिससे ये अच्छे सॉफ्ट उबल जाएँ। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी अभी पानी, जो हमारे चने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है आयरन, तो आज आयरन भरपूर मात्रा में खाने में मिलने वाला है, क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में ही इसको बनाने वाली हूँ। और पहले मुझे था कि ग्रेवी वाले बनाने हैं, लेकिन जैसे मैंने उनको उबलने के लिए रख दिया तो कंवर बोला कि भाई मुझे पूड़ी खानी है, और अरुण बोले कि पूड़ी के साथ हम सूखे चने खाएंगे। तो अभी चने उबल चुके थे तो पानी था उसमें, तो वो मैंने अलग से निकाल दिया है, और अभी मैं जस्ट इसमें सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी ऐसे चने बनते हैं, आपको जब भी ऐसे बनाने हों तो इस तरह से बना सकते हैं। और ये अभी जो जस्ट उबले हुए थे उसी में थोड़ा सा नमक और नींबू और थोड़े से प्याज डालकर मैंने बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे, और ख़ुद भी मैं उसमें से थोड़ा सा खा रही थी, क्योंकि इससे ना HB बहुत बढ़ता है काले चने खाने से। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, हल्की सी हींग और ये हल्दी, और इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसमें सूखी सब्जी का एक मसाला आता है सब्जी, वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। और ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें अनारदाना, काले सूखे चने में ना अनारदाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी आमचूर, लेकिन वो डालूंगी मैं बिल्कुल बाद में। और ये मैंने अपने सारे काले चने इसमें डाल लिए हैं, और हल्का सा पानी इसमें ना रह गया है, तो वो कोई बात नहीं है, मतलब वो ज़रूरी था थोड़ा सा बचा के रखना। तो अब मैं इसको 5-10 मिनट बिल्कुल धीमी आँच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी, और जितने मसाले डाले हैं ये अच्छे से चने के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और अच्छे से टेस्ट इसका बन जाएगा हमारा। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, और इसको हम ढकेंगे नहीं, सूखे ही ऐसे पकने देंगे, और ये बिल्कुल ना लेसी लेसी से हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल सूखे ऐसे नहीं लगेंगे कि टेस्टलेस से। और आपको लास्ट में मैं दिखा भी दूंगी कि ये चने हमारे कैसे बनकर रेडी हुए हैं।
हमारे अच्छे से बन चुके हैं जैसा कि मैं दिखा चुकी हूँ आपको पहले ही। और अब मैं बना रही हूँ पूड़ी। पूड़ी का आटा मैंने किस तरह से लगाया वो भी मैं दिखा चुकी हूँ आपको वीडियो में। मैंने थोड़ा सा उसमें डाला था नमक, थोड़ी सी अजवाइन, और जो मैंने पानी चने का निकाला था उसी से मैंने आटा गूंदा है। वो पानी गर्म भी था और चने के जितने प्रोटीन्स मिनरल्स उसमें से निकल गए थे वो सारे पानी में थे, तो वो मैंने आटे में ही मिला दिए हैं। और उससे एक फ़ायदा और हुआ कि जो हमारी पूड़ी थी वो बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी थी। और ये देख लीजिए हमारी पूड़ियाँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो साइड में एक घंटी जैसा बटन है उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी जब भी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।